नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए मुझे। मैं कुछ एक समस्या से इस समय बहुत ग्रसित हूँ, और समस्या ये है कि हस्बैंड मेरे मना करते हैं कि मत बोलो, मत कहो, मत पढ़ो चक्कर में। हम लोग आराम से हैं, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि हमारे भी अधिकार हैं, हमारा भी अपना स्वाभिमान है, हमारा भी अपना सम्मान है। और उसके लिए वो मैं बोलती हूँ तो फिर वो मेरे से गुस्सा करते हैं कि रहने दो। दोस्तों आप मुझे बताइए, कब तक हम अपने अपने हक को छोड़ देंगे? कब तक हम उसके लिए नहीं बोलेंगे? कब तक हम चुप रहेंगे? मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और आगे भी मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और अभी से हमारी समस्या ये है कि घर का कोई मैटर ठीक नहीं हो रहा है और हम लोगों को इस समय बहुत सारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड भी इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है और मैं भी ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। और बेटी का स्कूल है, उसका टेस्ट शुरू होने आया है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इस समय सबसे ज़्यादा रहने वाली समस्या हमारी ख़राब हो गई है। और आप मुझे बताइए, मैं कब तक हमारा महिलाओं का या मेरा अपना मैं बर्दाश्त करूं? लोग बोल देते हैं कुछ भी, वो सोचते नहीं हैं कि हम ऐसे हैं भी कि नहीं हैं। हम सबको लेकर चलते हैं, लेकिन हमें लेकर कोई नहीं चलना चाहता। वो सिर्फ हमारे से बेईमानी करता है, हमसे चीटिंग करता है, हमारा पैसा ले लिया, वो भी वापस नहीं किया, हमारा घर हो गया उसको भी हिसाब नहीं किया। अब आप बताइए कि हमको भी तो ज़रूरत है, हम कैसे करेंगे? घर परिवार कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता, ना साथ में रहना चाहता, सिर्फ बेईमानी और झूठ से ही उनकी दुनिया बनाना चाहता है। तो दोस्तों ऐसे कैसे होगा? प्लीज़ मेरे को कुछ रास्ता बताइए आप लोग, मुझे इस मुसीबत से निकलना है और मुझे अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से रहना है। क्योंकि मैं अपना समय ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, मुझे आगे भागना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा मुझे अपनी बेटी के लिए और अपनी आगे फैमिली के लिए। मेरी हम तीन लोग हैं और हम लोग मैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कभी कुछ बोलते नहीं हैं और मैं बोलती हूँ तो मैं सबकी बुरी बन जाती हूँ, मेरा अपमान हो जाता है। और मैं जब बताती हूँ हस्बैंड से तो वो कहते हैं कि चक्कर में मत पड़ो किसी के, अपना ही काम देखो। पर आप बताओ कि कब तक बिना किए कैसे काम चलेगा? यदि हम अपना हक या अपना कुछ ले रहे हैं तो उसमें कौन सी गलत बात है? यदि मैं गलत कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं गलत कर रही हूँ। ऐसी ही समस्याओं से मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे कृष्ण।